मामा, हाँ मेरे ठीक हो, जरा पानी देना। माँ जी, खाना तैयार है, लगा दूँ? मेरा जी नहीं है, लेकिन माँ जी खाना तो खाना पड़ेगा ना। मैं सीता दीदी पर और जुल्म नहीं होने दूंगी राधा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। ये पैसा उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ माँ जी, जरूर उनके लिए कुछ करेंगे। गंगा। सूरज भैया, आप कुछ चाहिए था? आज तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी सिवाय साफ सफाई के? आज तुम साफ सफाई नहीं, गंदगी फैला रही थी। तुम पूरब के कान भर रही थी। क्या बिगाड़े मोहन भाई ने तुम्हारा? मेरे पास है क्या जो कोई कुछ मेरा बिगाड़ सकेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम हमेशा पूरब के कान क्यों भरती रहती हो कि मोहन भैया अच्छा आदमी नहीं है, वो माँ जी को काबू करना चाहते हैं। तुम चाहते क्या हो? लो, मेरा ही दोष है कि मैंने इस खानदान की भलाई के बारे में सोचा। मुझे ही गोली मार दो, आइंदा से कभी आप लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचूंगी। तुम होती कौन हो इस खानदान के बारे में सोचने वाली? क्यों, मैंने इस घर का नमक खाया है? अगर नमक खाया है तो नमक हरामी मत करो। सूरज भैया, आप तो गाली गलौज पे उतर आए। ठीक है, हम गरीब लोग हैं, लेकिन गरीबों की भी कोई इज्जत होती है, और हमारी इज्जत तो इसी घर से जुड़ी है। देखो गंगा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, और मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम पूरब को मोहन भैया के खिलाफ कुछ नहीं पाओगी। और एक बात और समझ लो, अगर तुम सोचती हो कि पूरब तुम्हारे पीछे पागल है और तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा तो तुम गलत सोचती हो। तुम्हारे जैसी कई बदारू औरतें देख चुका है वो। राधा, क्या बात है, रो क्यों रही? किसी ने कुछ कहा क्या? तुमने सुना नहीं धनराज, पिताजी के बारे में बात कर रही? लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। दुख तो मुझे इस बात का है कि इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुमसे ऐसे बर्ताव किया जाता है जैसे तुम दूध पीते बच्चे हो, बल्कि दूध पीते बच्चों को भी इतना कोई नहीं डांटता जितना तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटते हैं। तुम तो जानती हो राधा, इस घर में सब कुछ पिताजी की मर्जी से होता है। तो मैं कब कह रही हूँ धनराज कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस घर के बड़े हैं, वही होना चाहिए जो वो चाहते हैं। लेकिन तुम इस घर के वारिस हो, तुम्हारी भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है तो कल को जब हमारी औलाद होगी उनकी इज्जत कौन करेगा? हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। देखो धनराज, तुम मेरे पति हो, और पति का होता भगवान के बराबर होता है। तुम ही बताओ, कौन पत्नी चाहेगी कि उसके पति उसके भगवान की बेइज्जती हो? देखो, अगर इस घर के बड़े तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं भी अब तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज के बाद अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगी। कहाँ ले जाओगी मुझे? कहीं भी, जहां तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वैसी जिंदगी गुजार सको जैसी चाहते हो, एक इज्जत की जिंदगी। कहां पर है वो जगह? अभी तो मेरे दिल के सिवा कहीं नहीं। चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने माता पिता के साथ ही रहो, लेकिन
मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपने माता पिता को जितना प्यार और इज्जत देते हो वो भी तुम्हें उतनी इज्जत दें। एक पत्नी की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि उसके पति को बहुत इज्जत मिले। Congratulations, Mrs. जनार्दन। मिस्टर जनार्दन की इम्प्रूवमेंट देखकर लगता है कि बहुत जल्द अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरा मतलब है कुछ लिमिटेड तरीके से। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इन्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। सारी जिंदगी इन्होंने बेसहारों को सहारा दिया है और अब ये सब तो तकदीर की बातें हैं मिसेज जनार्दन। लेकिन इनकी इम्प्रूवमेंट देखकर लगता है कि आपकी ये प्रार्थना भी बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। मिस्टर जनार्दन को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनका बोलना, क्या ये फिर से बोल सकेंगे? उसका इलाज भी चल रहा है मिसेस जनार्दन। अब देखना ये है कि इनकी नर्व्स दवाइयों पर कैसे रिएक्ट करती हैं। कुछ वक्त तो लगेगा लेकिन मुझे यकीन है एक दिन मिस्टर जनार्दन बोलने भी लगेंगे। थैंक यू डॉक्टर। माँ, मामा कौन से ट्रस्ट की बात कर रहे थे? बेटा, ये जो ट्रस्ट है ना, ये तुम्हारे नाना और दादा ने तेरे और मोहन के लिए बनाया था ताकि तुम दोनों जब बड़े हो जाओ तो जो काम करना चाहो, जो कारोबार शुरू करना चाहो वो कर सको। लेकिन माँ, तुमने आज तक तो कभी इसके बारे में नहीं बताया। हाँ बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम दोनों को पता चले कि बड़े होने के बाद तुम्हें इतना सारा पैसा मिलने वाला है ताकि तुम आलसी न बनो, मेहनत करो। मैंने तो अपने आप को भुला दिया था कि ट्रस्ट नाम की ऐसी कोई चीज है। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरे बच्चे अपने पांव पर खड़े हो सके, दुनिया का मुकाबला कर सके। तुम जो चाहती थी वो सब हमने सीखा है। हमारी वजह से तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मुझे डर सिर्फ एक ही बात का है, पृथ्वी जो धमकी देकर गया है कहीं वो सच ना हो जाए। वो पैसे तुम दोनों के बहुत काम आ सकते हैं गौरी। माँ, कितना पैसा है ट्रस्ट में? यही कोई 25 लाख रुपए। 25 लाख? हाँ बेटा, वो सारा पैसा तुम्हें मिल जाए तो मैं आराम से मर सकूंगी। माँ, तुमने ये कैसी बातें शुरू कर दी? मैं जाने उस पृथ्वी को उस ट्रस्ट के बारे में कैसे पता चला, कहीं वो तुम्हारा हक न छीन ले। राधा, तुमने जो कहा वो सच था, बिल्कुल सच। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है। मैं तो समझता था कि पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि वो सब सिर्फ इसलिए था कि मैं उनकी हां में हां मिलाता था, और वो प्यार भी तब तक रहेगा जब तक मैं उनकी हां में हां मिलाता रहूंगा। लेकिन मैं सारी जिंदगी इस तरह से तो नहीं गुजार सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? देखो, मैं तुम्हें अपने पिताजी के साथ झगड़ा करने के लिए तो नहीं कह सकती। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस घर में जो भी फैसले लिए जाते हैं उनमें थोड़ा बहुत हाथ तुम्हारा भी होना चाहिए। अब जैसे वो ट्रस्ट वाली बात ही देख लो, पिताजी को इस तरह सीधा वहां पे जुल्म नहीं करने चाहिए थे। नहीं चाहिए थे।
देखो ना किस तरह उन्होंने सीता माँ को घर से निकाल दिया। खैर ये तुम्हारे दादाजी की भी ज्यादती हो सकती है कि उन्होंने तुम लोगों का सब कुछ सीता माँ के नाम कर दिया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी जो ट्रस्ट वाली बात आई है ना, मुझे नहीं लगता कि पिताजी को इस मामले में पड़ना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि अब मोहन का नाम कभी भी इस घर में उठे। मोहन का नाम क्यों उठेगा? अरे उस ट्रस्ट के पैसे तो मोहन और गौरी के नाम ही है ना, और फिर वो ठहरा वकील, इतनी जल्दी थोड़ी अपना हक छोड़ देगा। फिर अगर वो पुरानी बातें उसने निकालनी शुरू कर दी तो किस तरह पिताजी ने सीता माँ के कोरे कागज पर दस्तखत ले लिए थे, और फिर वो खत वाली बात, कैसे जनार्दन अंकल और सीता माँ को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। उस खत की एक कॉपी तो मोहन के पास भी है और ओरिजिनल जनार्दन अंकल के पास है। अब ये केस की बात उठेगी तो मोहन का नाम तो बार बार घर में उठेगा ना। जी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ईसीजी वगैरह के लिए। ये मोहन कहाँ है? डॉक्टर चाचा भैया तो मुंबई गए हैं। तो उन्हें फौरन बुला लो बेटा। कुछ सीरियस तो नहीं है ना डॉक्टर? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके बेटे का इनके पास होना बहुत जरूरी है। ये दवाइयाँ मैंने लिखी है, इनसे इलाज शुरू कर दीजिए, बाकी हॉस्पिटल में चेक वगैरह देखते हैं कि क्या करना होगा। डॉक्टर चाचा माँ को अस्पताल में रखेंगे तो नहीं ना? इस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता बेटा, हॉस्पिटल में चेक वगैरह देखेंगे क्या किया जा सकता है, इनके दिल को कितना नुकसान हुआ इसे बाद में पता चलेगा। डॉक्टर साहब मैं आपके साथ चलता हूँ, ये दवाइयाँ भी ले आऊँ और एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी कर लूँ। आई मैं जब तक नहीं आऊँ यहीं रहना। जल्दी से फोन करने के लिए जा और मोहन को कहना फौरन यहाँ आ जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है छोटी माँ, बस अब तो सिर्फ वक्त की बात है। डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल तो नहीं कहा, इतना जरूर कहा है कि अब उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो धीरे धीरे बात भी कर सकेंगे। आपको पता है छोटी माँ, पिताजी ने अभी तक मुझे बेटा कहकर नहीं पुकारा है। क्या उनकी आंखों ने भी तुम्हें बेटा नहीं कहा? नहीं नहीं, उनकी आंखों में तो बहुत प्यार है। बस मेरी एक और तमन्ना है। वो कौन सी छोटी बात? धीरज की तरह पूरा और सूरज भी तुम्हें अपना भरा भाई समझने लगे। ये लो मां, आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। कैसे? अरे सूरज भैया मोहन भैया के बहुत बड़े फैन हो गए हैं। वो तो उनको अपना बड़ा भाई भी मानने लगे, लेकिन प्रॉब्लम है ना ये पूरा भैया के साथ, न जाने इन्हें कब अक्कल आएगी। धीरज प्लीज। भैया मेरा मतलब है वो ये कब समझने लगेंगे कि आप हमारे सबसे बड़े भाई हैं। दरअसल बात ये छोटी माँ के पूर्व की एज ऐसी है, वो अब तक आपको पापा को सब भाइयों को सिर्फ अपना समझता रहा है, और अब एक और आ गया है प्यार का हिस्सेदार, और वो शायद मुझे सिर्फ प्यार का हिस्सेदार नहीं बल्कि दौलत का भी हिस्सेदार समझता है। मुझे इस बात का शक था, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए छोटी माँ, वो मुझे बहुत जल्द समझने लगेगा। तुम्हें विश्वास है ना मोहन कि तुम पूरब को भी समझा लोगे? हाँ तुम चिंता मत करो, पूरब को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके दिल में जो वहम है ना वो अपने आप दूर हो जाएगा। या हेलो
मोहन भैया, लेकिन तुम कौन बोल रही हो? अरे गौरी, गौरी मैं धीरज बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई। हाँ, अरे लेकिन तुम रो क्यों रही हो? ए आई एम सॉरी 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 मोहन भैया, तू रो रही है। हेलो हेलो गौरी, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? किसी भी वक्त अस्पताल लेके जाना पड़ सकता है, तुम जल्दी आ जाओ भैया। गौरी गौरी मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ, बस तुम चिंता मत करो। बाय। आपको दिल का दौरा पड़ा, छोटी हूँ, मुझे इसी वक्त निकलना है। शुक्रिया लाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सरकारी ऑर्डर लाकर तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब सिर्फ 7 दिन तक सीता और उसके बच्चे उस घर में रहेंगे। हाँ, और 8वें दिन जब सूरज निकलेगा ना, तो वहाँ एक बुलडोजर जाएगा और उस घर को मिट्टी में मिला देगा। थैंक यू वेरी मच। एक समधी ही तो दूसरे समधी के काम आता है पृथ्वी जी। थैंक यू लाला जी। और वो वकील, क्या उसका नाम, नरेश, उससे भी मैंने बात कर ली। जिस 25 लाख रुपयों के सपने सीता देख रही है ना, उसमें से उसे फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। नहीं, अब मेरे प्लान को अपोज करने वाला कोई भी नहीं रहा। आप गलत समझ रहे हैं पिताजी, आपके प्लान को अपोज करने वाला भी एक है। कौन है भाई? आपका बेटा धनराज।